नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैं पहले आपको बताई थी कि मूंग का लड्डू यानी मगदल बनाना बताऊंगी, लेकिन ये थोड़ा आसान आपको नहीं लगेगा, लेकिन इसकी प्रक्रिया जिस तरह से मगदल बनता है वो मैं सही प्रक्रिया आपको बता रही हूँ। आपको इसमें कठिनाई ज़रूर होगी, पर इसका स्वाद तभी आएगा जब आप ऐसे बनाओगे। ये मूंग है 1 किलो, इसको हम मंगवाए हैं और गांव में हम इसको भुंजवाते थे, यानी कि गांव में हर मोहल्ला में गली में भुंजान होता था, जहां भुंजवा लोग भूंजते हैं दाना। आज भी शहरों में होते हैं लेकिन हमको पता नहीं रहता है, तो इसलिए हम इसको घर में थोड़ा सा रेती में भून के आपको दिखाएंगे। थोड़ा इसको मतलब गर्म रेती करेंगे, फिर इसको 5 से 7 मिनट तक भून के दिखाएंगे। उसके बाद हम इसको ठंडा करके, आपके पास जो दाल बनाने वाली चक्री होती है उसे बहुत ही कम है घरों में, अगर है तो ठीक है, उससे आप इसका दाल बना के भूसे निकाल सकती हैं, और अगर नहीं है तो मैं आपको दूसरे तरीके से सील बट्टा से भी करके दिखा रही हूँ, उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होता। तो पहले इसको थोड़ा आपको भून के दिखा रही हूँ। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो मगदल बनाने की जो प्रक्रिया है वैसे ही है, और गाँव में तो जहाँ लाई हुई भूनते हैं, हर मोहल्ला में भुंजवा होते हैं, भुंजवा लेते हैं। अगर ऐसी सुविधा है तो आप मूंग को भुनवाइए, जैसे कि बताएंगे कि मगदल बनाने के लिए है तो वो भून देते हैं, नहीं तो आपको मैं, आपके यहाँ सुविधा नहीं तो मैं करके दिखाती हूँ। ये रेती है, देखिए, तो इस रेती को इसमें डाल देते हैं हम, और इसको हम गर्म करेंगे। ये रेती पूरी तरह से गर्म हो जाएगा, गर्म होने में तेज आंच में कम से कम 10 मिनट लगेगा इसको गर्म होने में। तो उसी तरह से हम बनाएंगे। हम भी पहले मतलब जैसे हम गांव में रहते थे बचपन में, तो दादी लोग हमारे बनाती थी, हम लोग सिर्फ उनके साथ जाते थे भुनाने बनाने के लिए, तो उतना ध्यान नहीं देते थे कैसा बनाते हैं। तो जब शादी वगैरह हो गई, फिर जब हम लोग बाहर रहने आए, तो कभी कभार मन करता था कि हम भी मगदल बनाएं। तो ऐसे बनाते थे कि दाल को भून लेते थे, अब भूनने के बाद हम उसको पिसवाते थे। जब हम चक्की में जाते थे तो चक्की वाले से बोलते थे कि भैया इसको थोड़ा महीन करके बारीक पीसना, कि हम इसका मूंग का लड्डू बनाएंगे, तो वो बारीक पीसते थे। कहा कि अगर मिक्सी वगैरह में आप पीसोगे तो कैसा भी बारीक करोगे वो बारीक नहीं रहेगा, दरदरा रहेगा, तो उससे मगदल नहीं बनता। एकदम बारीक हम पिसवाते हैं, फिर उसको हम ला के घर में उसको भून के और चीनी वगैरह मिला के बनाते हैं। ये झन्नी है जिससे कि सरसों वगैरह चालते हैं, अगर कुछ कचरा रहता है तो इसी से हम बालू को कई बार चाल के उसके बाद उपयोग कर रहे हैं। अगर आप बिना चाले करोगे तो जो मूंग है उसमें भी कचरा आ सकता है, तो हम कई बार इसको बालू, आपको जो रेती है आसपास में कहीं, जैसे किसी का घर वर बन रहा है तो वहाँ से मिल जाएगा, नहीं तो हार्डवेयर में भी मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके थोड़ा मांगेंगे तो 2 रुपए में दे देते हैं वो लोग, मिल जाएगा ना, आसपास में मिल जाएगा। तो इसको ला के पहले इस झन्नी से कई बार उसको झाड़ना है, बड़े कंकड़ को अलग कर देना है, उसके बाद इसको हम भूनने के प्रयोग में लाते हैं। अब बिना चाले करोगे तो मूंग के दाने में कंकड़ आ जाएगा, तो वो ठीक नहीं रहता, तो इसको आप अच्छी तरीके से साफ करके फिर इसको गर्म करेंगे। तो ये प्रक्रिया थोड़ी जटिल लगती है, लेकिन मगदल ऐसा ही बनता है। ये बालू गर्म हो चुकी है 10 से 15 मिनट में। तो ये 1 किलो है ये मूंग की दाल, हम इसको पूरा नहीं डालेंगे, पूरा डालेंगे तो ठीक से नहीं भून पाएगा, इसलिए हम आधा आधा करके इसको भून के आपको दिखा रहे हैं। बस आधा आधा किलो हम 2 बार में इसको भूनेंगे। हम इसको आपको 1 किलो मूंग इसलिए बोल रहे हैं कि इसको आप चक्की में पिसवाओगे। अगर ये घर में मिक्सी वगैरह में पिस जाता तो मैं आपको 1 पाव या 1/2 किलो भी कह के बता सकती थी, पर 1 किलो से कम ये चक्की में नहीं पिसता, और चक्की में बारीक हम इसको पिसवा के, मगदल बनाने का आटा बारीक ही रहेगा तभी स्वादिष्ट बनता है। इसलिए आप इसको 1 किलो भून लीजिए, पिसवा लीजिए, पर एक साथ पूरा अगर आप नहीं बनाना चाहते हो तो आटे को रख लो, अब आपको जब भी मन चाहे तो 1-1 पाव करके आप इसको बना सकते हो। जरूरी नहीं कि आप 1 किलो आटा पिसवा के लाए हो तो एक साथ में उसको बना ही लो, इसका आटा तैयार करना ही कठिनाई रहता है, बाकी तो सब सरलता से हो जाता है। हम इसको 5 मिनट
तेज आंच में भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो सांवला हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मैं उसी तरीके से दाल को कढ़ाही में भून लेती थी और उसके बाद उसका आटा पिसवा के मतलब लड्डू बनाई, तो वो स्वाद नहीं लगा जो हमारी दादी लोग बनाती थी या बड़ी अम्मा लोग जो बनाती थी, तो वो स्वाद नहीं लगा। तो मैं पूछी कि आप कैसे बनाते थे, तो बताए कि उसको भूनते हैं मूंग को पहले, और उसके बाद भूनने के बाद उसका छिलका उतार के और फिर हम उसको महीन पिसवाते हैं, फिर उसका मखदल बनाते हैं, तब वो स्वाद आता है जो बचपन में हम लोग खाते थे। फिर हम वैसे बनाएं तो फिर वही स्वाद आए जैसे हम बचपन में खाते थे। ये जो मूंग दाल का जो मखदल है, ये यूपी में उत्तर प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध है। मकर संक्रांति के दिन जिसके घर ये न बना तो समझो कि कोई मिष्ठान नहीं बना। और हम लोग जब हम बच्चे थे तो पहले इसी को ख़त्म कर देते थे, और बाकी जो बहुत सारे पकवान बनते हैं संक्रांति में वो बचे रहते थे, सबसे पहले मूंग का लड्डू ही ख़त्म होता था और मात्रा में कम भी बनता था कि काफ़ी जटिलता से बनता है इसलिए। और बाकी जो भिगो के और उसको पीस के कैसे भी आप घी में भूनो या कुछ भी करो, तो वो चीज़ नहीं बन पाता जो गांव में दादी लोग बनाती थी। बनाने को आप कैसा भी बनाओ लेकिन फिर वो स्वाद नहीं, मखदल का जो सही स्वाद अगर आपको पाना है तो इसी प्रक्रिया से मखदल बनाया जाता है। और ये आपको थोड़ा कठिन ज़रूर लगेगा कि कहाँ से आप रेती पाओगे फिर इसको भूनोगे, कुछ नहीं, हम लोग तो इसको हर साल बनाते हैं और दो दो तीन तीन किलो का बनाते हैं। एक बार आटा को पिसवा के रख लेते हैं, फिर अपने इच्छा अनुसार आधा किलो एक पाव जितना भी हो ताज़ा बना के फिर बच्चों को भी देते हैं, और संक्रांति की पूजा में इसको भी हम ज़रूर शामिल करते हैं। तो जैसे कि आप ये सोचोगे कि पता कैसे लगा कि ये भून गया है, गांव में जो रहर वगैरह होती है खेतों में तो माताएं बहनें जानती हैं हमारी यूपी तरफ की और बाकी सब लोग जिनके यहाँ होता है, वो भी उसको भून के ही दाल बनाते हैं, सीधे भून के ही घर में ही दाल बनाते हैं गांव वाले। ये जो मील की जो दालें होती हैं भुनी हुई नहीं रहती हैं, कच्ची रहर की दाल रहती है, और खेत में जो होता है गांव में वो भून के ही रहर को भून के फिर उसका दाल बनाते हैं, तो उसी हिसाब से इसको भी भूनते हैं हम जितना कि दाल बनाने के लिए रहर को भूनते हैं। और दाल में सिर्फ रहर ही एक ऐसी दाल है जो कि गांव में भून के बनाते हैं, बाकी उड़द वगैरह को नहीं भूनते हैं। तो ये भून चुका है तो मैं इसको छान के आपको दिखा दे रही हूँ। ये छन्नी है, ये पूरी तरीके से भून गया है, ये देखिए। इसको ऐसे करेंगे और ये इसको छान लेते हैं हम। ये भून चुका है, अब आप देख सकते हैं इस मूंग का कलर और इस मूंग का कलर आपको लग रहा होगा। ये भुना हुआ है और ये कच्चा है, इतना भुनना है, ज़्यादा नहीं भुनना है, ज़्यादा भुनोगे तो वो स्वाद नहीं आ पाएगा। इस बालू को हम फिर से इसमें डाल देंगे, गरम बालू है ये, तो ज़्यादा देर हमको गरम नहीं करना पड़ता दोबारा। ये ठंडा हो चुका है, अगर आपको इसका भूसी निकालने का कोई और क्रिया अगर मालूम हो तो आप निकाल सकते हैं। तो मेरे पास जो दाल दरने वाली चक्री है वो नहीं है, तो मैं आपको इसी से भूसी निकाल के दिखा रही हूँ। तो इसको हल्का हल्का ऐसे करेंगे तो जो ये देखिए, आप जब भी आप खाली समय पाएं, ये देखिए इसका दाल दो दो ठो हुआ जा रहा है, तो इसका भूसी आराम से निकल जाता है। और इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, जो खाने के शौकीन है वो सब करेंगे, और जो सिर्फ खाते हैं और बनाना नहीं जानते उनके लिए ज़्यादा कठिन होगा। हम लोग तो इसी तरह से करके तीन चार किलो का बना लेते हैं। अभी ठंड है तो धूप में कुछ भी कपड़ा बोरी वगैरह बिछा के बैठ जाते हैं, और एक किलो मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगता है। ये देखिए ये पूरा दाल, मैं इसको मिक्सी में भी थोड़ा करके देखी तो पूरा दाल पूरा पीस जाता था, तो इसलिए हम उसको मिक्सी में नहीं किए,
आप भी मत करना मिक्सी में, कि मिक्सी में थोड़ा सा चला के देखोगे कि चलो भाई उसका भूसी अलग हो जाएगा, तो नहीं होता, पूरा दाल भी पिस जाती है। तो ये देखिए एकदम से एक भी दाल नहीं टूट रही है, और आराम से इसका भूसी निकल जाएगा। आप भी ऐसा करना। उसके बाद हम इसको चक्की में महीन पिसवाएंगे, तो जो माताएं हैं वो हमारे बात को समझ पाएंगे कि ये इसी प्रकार से बनता है, और जो दाल वगैरह भूज के बनाते हैं वो। मैं आपको सिर्फ इतना पीस के दिखा रही हूँ, आप ऐसे करें, और पूरे वीडियो में पीस के दिखाऊंगी तो आप बोर हो जाओगे। देखिए ये पूरा इसका दाल निकल गया है, इसको हम आपको पूरा पीस के फिर आपको मैं दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये मतलब एक किलो मूंग दाल ये मैं दल ली हूँ, दाल अलग हो गया है। ये मुश्किल से 5 से 7 मिनट में हो जाता है, अगर 2-4 किलो है तब भी वो 10 से 20 मिनट में आराम से हो जाएगा। तो इसमें आप ऐसा जो क्रिया है इसको देख कर घबराए नहीं, इसको ऐसे ही बनता है मगदल। इसका मैं भूसी भी निकाल के आपको दिखा देती हूँ। भूसी को मैं अलग करके दिखा रही हूँ, इसको पछोरा जाता है इस तरीके से, जो कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। पूरी तरीके से भूसी नहीं भी निकलता तो कोई वो नहीं है, तो थोड़ा सा वो खल बट्टा से, यानी जो गांव में मूसल वगैरह रहता है उससे छांट के इसका भूसी अलग करते हैं। अगर आपके पास ऐसा कुछ हो तो इसका भूसी अलग कर सकते हैं। ये मूंग दाल तैयार हो गया है 1 किलो, तो इसमें से भूसी उसे पूरा निकल जानी चाहिए थी, नहीं निकली है तो कोई बात नहीं, इसको छान लेंगे पिसवाने के बाद, महीन पिसवाने के बाद, और भूसी नहीं निकलती तब भी कोई बात नहीं है, बहुत स्वादिष्ट लड्डू बनेगा। ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए ये इसकी भूसी इतनी सी निकली है, इसमें थोड़ा बहुत भूसी है, और इसका जो कलर है ये पूरी तरह से आप देख सकते हैं भुना हुआ है। आपके पास अगर मूंग की दाल कच्ची हो तो उसको देखेंगे दोनों को सामने रख के, तो ये देखिए भुना हुआ है, पूरी तरह से भुना हुआ। इसको हम जब लड्डू बनाएंगे शुद्ध घी में भून के इसके आटे का, तो थोड़ा सा हमको भूनना पड़ता है, इसीलिए मगदल का स्वाद ज्यादा बढ़ता है इस प्रक्रिया से बनाते हैं। तो अब इसको हम चक्की में पिसवाने के लिए भेजेंगे, हमारे घर के बगल में चक्की है, इसको महीन पिसवा के फिर हम आपको आगे बता रहे हैं मगदल बनाना। मूंग का आटा पिस के आ गया है, तो मैं आपको अब बताऊंगी इसको। ये मूंग का आटा है, ये पिस के आ गया, इसको बहुत ही बारीक पिसवाए हैं, दरदरा नहीं अच्छा रहता, स्वादिष्ट नहीं बनता। अब मैं इसको भूनूंगी, क्योंकि 1 किलो आटा है ये, तो पूरा एक साथ नहीं भूनूंगी, आधा आधा किलो करके भूनूंगी, तो ये अच्छे से भूनेगा। तो मैं आपको आटा को भून के, कहा है कि ये पहले से आप देखोगे इसका कलर बदला हुआ, पूरा ये अच्छा सोंधा महक रहा है। इसको बहुत कम भूनना पड़ता है, सिर्फ इसमें घी मिला के हल्का सा भूनना पड़ता है। तो मैं भून के दिखा रही हूँ, फल लड्डू बना के दिखा रही हूँ आपको। ये शुद्ध घी है, तो जैसे कि हम आधा किलो आटा भूनेंगे तो उसमें 200 ग्राम तक लगभग शुद्ध घी हम डालेंगे भूनने के लिए, लगभग 200 ग्राम। और उसको हम घी गर्म हो जाएगा तो हल्के आंच में भूनना है, क्योंकि ये पहले से भुना है, इसमें एक थोड़ा सा घी मिला के गरम करना रहता है हल्का सा। छिलका निकालने की जो प्रक्रिया मैं बताई हूँ, बहुत लोग छिलका नहीं भी निकाल सकते, तो मूंग का जो छिलका होता है मोटा नहीं होता है, तो आप छिलका सहित भी उसको पिसवा सकते हैं, हल्का धोमिल उसका रंग यानी हरा लिए हुए पीला रहेगा, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, स्वास्थ्य के लिए भी छिलका उसका अच्छा रहता है और स्वाद भी नहीं बिगड़ेगा। छिलका सिर्फ इसलिए निकालते हैं कि थोड़ा लड्डू पीला दिखे, आप अगर छिलका नहीं निकाल सकते तो आप छिलका सहित भी पिसवा सकते हैं। मूंग को जो रेती में भून के दिखाई हूँ, इसमें जो आप कड़ाही में भूनोगे वो उतने अच्छे से नहीं भुनाता है, और जो मैं रेती में भून के दिखाई हूँ वो अंदर तक भून जाता है, उसका एकदम सोंधा हो जाता है। उसे खाली कड़ाही में भी भून सकते हैं पर वो अच्छे से नहीं भुनेगा। तो ये आटा 1 किलो है, तो मैं आधा ही डालूंगी इसमें, आधा किलो का हम, जैसे कि मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि आप आटा को पिसवा लें और थोड़ा थोड़ा करके बनाएं, जब भी आपका मन चाहे तो आप बना सकते हैं। तो आज को हम कम करके अच्छे से इसको भूनेंगे। ये मगदल बनाने का प्रक्रिया ऐसे ही होता है, ऐसे इसी तरह से बनाते हैं।
इसमें गुट्ठी गुट्ठी पड़ जाता है, इसको हम चलाते 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 हल्की आंच में ये सब फूट जाता है और अच्छे से भून जाता है। इसको बस इसको हम हल्की आंच में तब भी 10 मिनट तक भूनते हैं। ये पूरा जो इसका गुट्ठी गुट्ठी है ये भी घी का बनता है गुट्ठी है, फिर वो अपने आप गर्म होके पिघल जाता है। अब इसमें शक्कर मिलाएंगे। तो ये आटा देखिए मैं दिखाना चाहती हूँ, ये आटा बिना भुने वाला है और ये आटा भुना हुआ है, इतना अंतर है इसमें। इतना भूरा भूनना है इसको। और जो आप मूंग को जो भूनेंगे, जो पहले मैं भून के बता चुकी हूँ, तो इसका ध्यान रखेंगे कि वो ज़्यादा न भूने। अगर आप उसको ज़्यादा भून दोगे तो उसका जो स्वाद रहेगा वो खराब हो जाएगा और कड़वा आने लगेगा। उसको वैसे मैं पहले भून के बताई हूँ, उसको हल्का सा ही भूनना अच्छा रहेगा। और जो लड्डू बनाते हैं वो जानते हैं कितना भूना जाता है। तो आप जैसा भी मीठा खाते हैं उस प्रकार से, फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ, मान लो जैसे कटोरी है ये, तो दो कटोरी अगर आटा है तो उसमें एक कटोरी आप पिसा हुआ, देखिए मैं इसको पीसी हूँ, ये शक्कर है इसको मैं पीसी हूँ, महीन पीसी हूँ इसको। तो जैसे कि दो कटोरी आटा है तो उसमें एक कटोरी आप शक्कर डाल सकते हो, या अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इसमें मैं एक कटोरी शक्कर को डालूंगी, दो कटोरी आटा है मान लो, तो एक कटोरी हम इसमें शक्कर मिला दे रहे हैं। और अच्छे से इसको, गैस को हम बंद कर चुके हैं, सिर्फ मैं आपको मिला के दिखा रही हूँ। और ये ठंडा हो जाएगा तो इसको अच्छे से हम हाथ से मस लेंगे। जो इसका ये थोड़ा गुट्ठी गुट्ठी है ये भून चुका है, तो फिर इसको अच्छे से हाथ से मसल के और इसका लड्डू बना लेंगे। मगदल में और कोई मतलब मेवा वगैरह नहीं पड़ता है। अलग से हम जो एक और इसका लड्डू बनाते हैं उसमें घी ज़्यादा डाल देते हैं, तो उसमें मेवा वगैरह थोड़ा भून के डालते हैं, लेकिन मगदल में मेवा वगैरह नहीं पड़ता है। ये पूरी तरह से तैयार है। अब इसको सिर्फ हाथ से मसल के और बांधना पड़ेगा, तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम इसको लड्डू बना के आपको दिखाएंगे। तो ये ठंडा हो गया है, तो इसको जो ये गुट्ठी उठी दिख रहा है तो हम इसको ऐसे मल के और फिर उसके बाद इसका लड्डू बनाते हैं। ऐसे करने में जो इसका गुट्ठी गुट्ठी वो भी फूट जाएगा और अच्छा अच्छे से बंधने भी लगेगा, ये देखिए। और जैसा भी आपको छोटा बड़ा बनाना हो, गांव में तो थोड़ा बड़ा बड़ा ही बनाते हैं, लेकिन ये काफ़ी मेहनत से बनता है, इसलिए इसको छोटा छोटा ही बनाना चाहिए। और बच्चों को भी अपना एक एक ठो दे, बड़ों को भी दे, ये देखिए आराम से बन जाता है। इसमें इसमें आपको बताई हूँ कि आधा किलो ये रहता है इसका आटा, तो उसमें एक पाव घी डालना चाहिए, शुद्ध घी। और ऐसे अंदाज के लिए ऐसे आपको मैं बता रही हूँ कि शक्कर कितना डालना चाहिए, तो दो कटोरी आटा है, कटोरी से आप नाप लीजिए और एक कटोरी शक्कर डाल दीजिए। कम ज़्यादा जैसे आप खाते हो, मान लो कम खाते हो तो आप कम भी डाल सकते हैं। ये देख, ये फेमस अपने उत्तर भारत का ये मिष्ठान है कि मकर संक्रांति में अगर जिसके घर ये न बने तो समझो कि कुछ नहीं बना। तिल वगैरह और जो फली का ये गुड़ पापड़ी ये सब तो बनता ही है, और चना को भून के और चने के दाल बना के, मतलब उसको भुना हुआ चना को फिर उसका भी पापड़ी बनाते हैं, बहुत सारे मिष्ठान बनते हैं। तो ये मगदल बन के तैयार है, आप भी इस मगदल को बनाइए और बताइए हमको कि आपको कैसे लगा। ये फेमस मिष्ठान है, मकर संक्रांति पर जरूर बनाना। मैं आपको अभी मगदल बना के दिखाई हूँ, अब मैं आपको मेवा मगदल बना के दिखा रही हूँ, जो कि थोड़ा बस ऐसे बाकी सब चीज ऐसे रहेगा, ये मेवा उसमें ऊपर से सजा के दिखाएंगे। तो इस ये मेवा है, ये चिरौंजी है, ये नारियल,
ये काजू, ये किशमिश और ये बादाम पंचमेवा में, तो इसको हम काट के थोड़ा सा भून लेंगे। और बाकी आटा वगैरह जो भूनते हैं वैसा ही भूनेंगे, उस आटे में घी ज़्यादा पड़ता है और शक्कर वगैरह सब वही रहेगा। इसमें इलायची पाउडर भी पीस के डालते हैं। तो ये मेवा मगदल है, तो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। इसको मैं पहले काट लूँगी और काट के भून के इसको मैं तैयार कर लेती हूँ। इसका क्योंकि मेवा मगदल नाम ही है, तो इसको ऊपर से सजाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मेहमान वगैरह आए तो उनको देने के लिए। और स्वाद बिल्कुल ही वैसे ही रहेगा, स्वाद बढ़ ही जाएगा मेवा वगैरह पड़ने से। तो मैं आपको इसको भी बना के दिखा दे रही हूँ। आटा वगैरह सब तो तैयार है ही, शक्कर भी पिसा हुआ है। तो मैं आपको इसको, इसमें घी थोड़ा ज़्यादा लगता है बस, और बाकी सब वही रहता है। तो इसको हम पहले काट के भून लेते हैं, फिर बाकी आटा भी इसका भून के और आपको दिखाती हूँ। तो उसको मेवा को हम भून लेते हैं। हम इसको ज़्यादा नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा बनाएंगे सिर्फ आपको बताने के लिए इस मेवा मगदल को। ये भून गया है, अब इसको हम निकाल लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। ये देखिए जो किशमिश वगैरह था ये फूल गया है। अब उसके बाद हम आटा को भी भूनेंगे, हम इसको निकाल लेंगे। इसमें जैसे कि आपको मैं बताई कि आधा किलो ये रहता है आटा, जो भी मगदल बनाई हूँ, तो एक पाव घी 200 ग्राम 250 ग्राम तक डाल सकते हैं आप। और इसमें जैसे कि एक पाव है आटा, तो इसमें भी थोड़ा ज़्यादा घी 50 ग्राम तक ज़्यादा डाल सकते हैं, इसमें घी ज़्यादा लगता है। ये हो गया है, तो मैं थोड़ा सा ही दिखाऊंगी भून के। इसको जब भी भूने तो आंच कम रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए आंच। इसको हम आंच कम करके ही एकदम से भूरा भूनते हैं, क्योंकि आटा पहले से भुना हुआ है तो बहुत हल्का सा इसको भूनना रहता है आंच कम करके। इसमें ध्यान रखना चाहिए कि जलना नहीं चाहिए ये। देखिए एक पाव भी आटा, मतलब एक पाव आटा था, इसमें 150 ग्राम के करीब हम घी डाले हैं, शुद्ध घी। ये तैयार हो गया है ये भून के, तो इसमें हम शक्कर मिलाएंगे 1 कप, ज़्यादा नहीं। बस वही तरीका है सब बनाने का। और इसमें हम अपने स्वादानुसार आप जितना भी खाएं वैसे 1 कप हम इसमें शक्कर मिला देते हैं पिसा हुआ, और इसको मिला देते हैं अच्छे से। और फिर इसमें हम मेवा सजा देंगे बस। और इसमें कोई ज़्यादा मेवा और थोड़ी सी इसमें पिसी हुई हम इलायची भी डालते हैं, तो उससे इसका स्वाद और सुगंध बढ़ जाता है। ये अच्छे से ये आटा में, भुना हुआ आटा में शक्कर मिल जाए इसको, ठंडा होते तक हम अच्छे से इसको फेंटेंगे तो मिल जाएगा, नहीं तो कहीं कम और कहीं ज़्यादा शक्कर रहेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें घी काफ़ी मात्रा में रहता है। और बाकी मगदल में हम इतना घी नहीं मिलाते हैं, ये मेवा मगदल में ही हम इतना घी मिलाते हैं। तो मैं आपको ये, थोड़ा ठंडा हो जाता है तो मैं आपको दिखाती हूँ बना के। ये अब ठंडा हो गया है बनाने के लिए, तो इसको ऐसे करके थाली में रख देते हैं ऐसे, बाद में जम जाता है। ऐसे ही इसको हम बना के रखते हैं, मेवा मगदल इसको बोलते हैं। और उसके ऊपर बस वो मेवा को लगा देंगे।
घी इसमें ज़्यादा है क्योंकि अभी थोड़ा बहुत ये गर्म है ही, तो ऐसे लग रहा है फिर जम जाएगा ये। और आप इसको जिस भी आकार में चाहो, इसको थोड़ा हल्का ऐसे रहेगा तभी बना सकते हो, घी जमने पर ये ठीक से नहीं बनता है, इसलिए हम थोड़ा गर्म है इसलिए पहले ही बना ले रहे हैं। तो इसमें इलायची पाउडर भी आप डालें, हम भी डाल दिए इलायची पाउडर, इससे स्वाद बढ़ जाता है। ये जो मगदल मैं आपको बना के दिखाई हूँ क्या है, उसमें घी कम है, इस तरीके का वो नहीं बन पाएगा। और ये मेवा मगदल है तो इसमें घी आप इसको ऐसे बाद में इस टाइप का ऐसे कर सकते हैं, ऐसा रहता है ये मेवा मगदल। तो ये घी जमने के बाद ये खूब सुंदर सा ये जो फैला हुआ है ये इस टाइप का ऐसे सुंदर सा ये हो जाएगा। तो इसमें मेवा जैसे हम डाल लिए, उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ऐसे, ये भी काफ़ी स्वादिष्ट आता है। ऐसे कोई मेहमान वगैरह आएंगे तो आप उनको देंगे तो वो भी बोलेंगे कि हाँ भाई ये मिष्ठान काफ़ी स्वादिष्ट है, लेकिन काफ़ी हेल्दी भी है ये। इसलिए इसको जो भी इस टाइप के मिष्ठान है वो ठंडी में ही बनाते हैं, ये आराम से पच भी जाता है ठंडी में। ये मेवा मगदल भी बनाइए, काफ़ी स्वादिष्ट और ये ठंड में खाया भी जाता है। आगे ऐसे भी मैं आपको कुछ आसान तरीके से लड्डू या कुछ बनाना सिखाऊंगी, आप देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।